पवन काजल जी जो दो बार के विधायक हैं कांगड़ा जिला से हैं, और कांगड़ा जिला में भी विशेष तौर से ओबीसी कम्युनिटी के बहुत बड़े कदाबान हो रहे हैं, और निश्चित रूप से इनके पार्टी में शामिल होने से बहुत बड़ा बल, बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में मिली है। बात करें विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा की, तो इतिहास गवाह है, चौधरी विद्यासागर के बाद कांगड़ा में भाजपा को ऐसा जिताऊ नेता नहीं मिला था जो सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके। भाजपा ने यहां बसपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले संजय चौधरी को अपने साथ मिलाया था, लेकिन कांगड़ा से भाजपा की किस्मत रूठी ही रही। जब पवन काजल ने भाजपा से टिकट की मांग की तो उन्हें नजरअंदाज करके संजय चौधरी को मैदान में उतारा, मगर हायरी किस्मत भाजपा को पवन काजल ने धो डाला। उसके बाद से कांगड़ा में पवन ही पवन है। अब किस दबाव के चलते पवन ने कांग्रेस से किनारा किया है ये तो गर्व ही बता सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए कांगड़ा टेढ़ी खीर बनने वाली है। इतिहास गवाह है कि जिस संजय को भाजपा ने जिताऊ माना उसे जनता ने नकार दिया था। हालांकि 1977 से चुनावी आंकड़ों पर नजर डाले तो भाजपा यहां जीरो साबित हुई है। 1977 में जनता पार्टी के प्रताप चौधरी ने चुनाव जीता, उसके बाद यहां विद्यासागर का सिक्का चला और विरोधी लहर में भी लगातार तीन बार जीते। 1993 में कांग्रेस के दौलत चौधरी जीते और 1998 में विद्यासागर फिर से जीत हासिल करके सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद वह विधानसभा में नहीं पहुंच सके। 2003 में कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार काकू को मैदान में उतारा गया, वह जीत तो हासिल कर गए लेकिन जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाए। लिहाजा 2007 के चुनावों में प्रदेश में पहली बार बहुजन समाज पार्टी बसपा का खाता खोला और संजय चौधरी ने भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को धूल चटाकर जीत हासिल की। 2012 में भाजपा और कांग्रेस का यही हाल हुआ। इस दौरान कांग्रेस की दौड़ में कांगड़ा के शर्मा परिवार से पंडित बालकृष्ण के सुपुत्र डॉक्टर राजेश शर्मा भी कांग्रेस से टिकट की उम्मीद के चलते उन्होंने बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान नया चेहरा पवन काजल को जनता ने जीत दिलाकर विधानसभा भेजा। यही काजल है जो भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे और उनकी मांग को दरकिनार करने पर भाजपा यहां से पिछड़ती चली गई। 2017 में काजल ने हवा का रुख बांधते हुए कांग्रेस का दामन पकड़ा और कांगड़ा को उस जीत का स्वाद चखाया जिसे 2003 के बाद कांग्रेस को हासिल नहीं हुई थी। अब यही हाल भाजपा का भी है, क्योंकि 1998 के बाद से कांगड़ा में भाजपा को हार ही नसीब हुई है। 24 वर्षों के बाद 2022 में भाजपा को पवन काजल जीत का सेहरा बांध पाएंगे, अभी ये देखना सही में दिलचस्प भरा होगा। कारण साफ है, संगठन नाम की चिड़िया कांगड़ा में भाजपा और कांग्रेस के किसी के पास नहीं है। तभी जिताऊ नेता के नाम पर दल बदल कर आयातित नेता को कार्यकर्ताओं के सिर पर बैठाया जा रहा है। अब सूबे में कांग्रेस के साथ साथ आप भी मैदान में है। अब देखना ये है कि कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी किस किस पर दांव खेलती है। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।